हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड प्रतिभा। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रतिभा यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रतिभा यूट्यूब चैनल विद बेल बटन के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरोना काल में हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर होम मेड पाउडर और काढ़ा। पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो। 2 मंथ के लिए इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो उसमें सबसे पहले है दालचीनी करीब 2 स्पून, 2 स्पून लौंग है, और ये है 10-11 करीब बड़ी इलायची, ये है पीपली 5-6, 1 है जायफल, 1 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 2 स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, ये है छोटी इलायची 2 स्पून, ये है 2 जावित्री, और ये है आप देख सकते हैं ये है अजवाइन, ये है करीब 5 स्पून अजवाइन, और ये है जीरा 1/2 कप जीरा है। अजवाइन और जीरे को पहले हम भून लेंगे, फिर इन सभी के साथ में इनका फाइन पाउडर बनाएंगे, और ये पाउडर आप 4 व्यक्ति आसानी से 2 मंथ तक इसको काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे 50 ग्राम तेजपत्ता और करीब लेंगे 6-7 ये है हरड़। मिक्सी में ऐसा फाइन पाउडर बना लेंगे इसका, और इसको एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके 2 मंथ के लिए रख लेंगे। अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये है गुड़, लेमन 1/2 लेमन लेंगे हम, और कुछ लेंगे तुलसी की पत्तियाँ, जिंजर और मिश्री। आप मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, हनी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो 1 व्यक्ति के लिए हम काढ़ा बना रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, तो इसके लिए हम लेंगे 1 गिलास पानी, 1 ग्लास वाटर, और जब ये गर्म हो जाए वाटर तो हम जिंजर को कस के 1 स्पून करीब इसको डाल देंगे, और फिर इसमें कुछ तुलसी की पत्तियाँ यूज़ करेंगे, और इम्यूनिटी बूस्टर हमारा जो पाउडर हमने बनाया है वो यूज़ करेंगे करीब 1/2 चम्मच से भी कम। और ये देख रहे हैं आप, मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी मिश्री, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, या दोनों चीज़ भी डाल सकते हैं मिश्री और गुड़, या फिर एक चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो गुड़ या तो मिश्री, जो आपको पसंद हो। और ये है काला नमक करीब 1/2 चम्मच से भी कम। 3 मिनट के लिए हम और इस काढ़े को पका लेते हैं, फिर हमारा बन के तैयार हो जाएगा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, और ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो सभी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, और हम यूज़ करेंगे इसमें 1/2 लेमन जूस। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से मैं और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सभी पी रहे हैं, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी पीते हैं, और ये उन्हें टेस्टी भी लगता है। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके बच्चे भी पियेंगे, एक बार नहीं बार बार पियेंगे। तो ये है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, पीजिए और पिलाइए और स्ट्रॉन्ग रहिए। हेल्दी फूड खाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। इस कोरोना काल में आप और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए, और इस इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा को बनाकर पीकर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा विद बेल बटन के साथ। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।